गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज का 1 बजे से शुरू कर रही हूँ मैं ब्लॉग। मैं गई थी पंचायत की मीटिंग में, हमारे यहाँ पे पंचायत में मीटिंग थी, और उसके बाद अब जा रहे हम, एक ग्रुप का सेमिनार है हमारे ग्रुप का, तो मैं जा रही हूँ सेमिनार अटेंड करने। तो यहाँ पे BTM आए हैं, ब्लॉक ट्रेनिंग ऑफिसर, तो हम उस सेमिनार में कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ वो हमें बताएंगे जैविक खाद के बारे में या कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि क्या क्या बताते हैं सर हमें, क्योंकि हम खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ग्रुप से जुड़े हैं। तो चलिए सर क्या बताते हैं, किस चीज़ के बारे में बताते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो। और ये देखो साथ में मेरे साथ और भी है, ये मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है ये आज का, और इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी किसानों के लिए। तो ये देखो हमारे ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है और सर भी आ गए हैं, BTM सर मतलब ब्लॉक ट्रेनिंग मैनेजर। पहले मैंने गलत बोल दिया था, ऑफिसर नहीं होते, मैनेजर होते हैं। तो ये है श्री अंकुश ठाकुर जी, तो आज ये आए हमारे ग्रुप में और आज सेमिनार हो रहा है हमारे ग्रुप का। ये हमारे ग्रुप का नाम है ग्रीन वैली ग्रुप बगीनी, तो जो जाऊ में है। बच्चों जो भी बताएंगे मैं हर वीडियो बनाऊंगी और अलग अलग पार्ट में डालूंगी, क्योंकि लंबी वीडियो मैं नहीं डाल सकती, मैं 10 या 12 मिनट की डालूंगी। तो ये हर तरह के किसानों के लिए, चाहे वो सेब के बगीचे वाले किसान हो या कुछ फसलों वाले, तो सबके लिए ही ये जीव अमृत है। जीव अमृत हो, चाहे बीज अमृत हो, चाहे तना लीफ हो, हर चीज़ सबके लिए ही ज़रूरी है। तो हर तरह के किसानों और बागवानों के लिए ही ये वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिए। और जो हमें सर ने बताया है, तो प्लीज़ उस तरह से आप भी प्रयोग कीजिए एक बार, और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सबके लिए नॉलेज की बात है इसमें। जो आप देख के भी आ रहे हैं ना जी, अलग से गुलाब से आप मल्टीप्लेक्स एग्रीमेंट, उसकी जगह पर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो खट्टी लस्सी है आपकी, जो एडिशनल बच जाती है, जो आप गोविश पे डाल रहे हैं, उसका प्रयोग आप एज अ फंजीसाइड कर सकते हैं। या आप डाइथेन बगीचे फंजीसाइड प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पर आप खट्टी लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। खट्टी लस्सी में जो आप नॉर्मल 4 से 6 लीटर खट्टी लस्सी एक ड्रम में डाल के स्प्रे कर सकते हैं, आपके दाने वगैरह बनने शुरू होते हैं, उस टाइम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खट्टी लस्सी साथ में जीवन में, तो ये बना होता है, ये मान लीजिए ड्रम बना है, इससे 30 लीटर ले, दूसरे ड्रम में 30 लीटर डाला, उसके साथ 4 से 6 लीटर एक सब धान्य अंकुर, इसके लिए तो गाय की भी जरूरत नहीं होती। सब धान्य अंकुर अर्थ, इसमें आपको 7 प्रकार की दालों का मिश्रण है। इस तरह से 7 प्रकार की दालों में आपका एक सबसे जरूरी होता है तिल, 100 ग्राम तिल लिया, उसके अलावा 100 ग्राम बाकी दालें, दलहनी दालें या चना है, उड़द है, बीन है, आपका गेहूं हो गया, गोभी हो गया, इस तरह का थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम आपने ये लेना है। इसको आप एक बाल्टी में किसी में भी बर्तन में रख के भिगोने के लिए, मान लीजिए आपने तिल आज रखा, दूसरे दिन बाकी दालें भी भिगोने के लिए, तीसरे चौथे दिन जब ये अच्छे से भीग जाए, बढ़िया से जब ये रुक जाती है, अंकुर फटने शुरू हो जाते हैं इसमें, तब आप इसको निकाल के शील पर इसकी चटनी पीस लें। चटनी पीसने के पश्चात इसको ड्रम में डालें, 10 लीटर उसमें गर्मी पर डालें, उसको घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। काम करेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जो आप एक PGR वगैरह करते हैं सबसे, उसकी जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दाने को अच्छा रखता है, साइज इंप्रूवमेंट का काम करता है, कलर अच्छा लाने का काम करता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ये सारी चीज़ें आपके इसमें काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जीव अमृत बन रहा है, इसमें 1 किलो गुड़ पड़ा है, एक पूरे ड्रम में 1 किलो गुड़ पड़ेगा, और साथ में पड़ेगा बेसन 1 किलो, ये सब बेसन डाल रहे हैं 1 kg, और साथ में मिट्टी है, मिट्टी मतलब जंगल से लाई हुई मिट्टी है, जिसमें कोई भी रासायनिक स्प्रे या खाद वाली मिट्टी नहीं है, तो ये जंगल से लाई मिट्टी है, वो पड़ेगी थोड़ी सी, 100-200 ग्राम मिट्टी पड़ेगी। तो ये अब बेसन वगैरह सब कुछ पड़ गया है, बेसन भी गुड़ भी, और इसमें पानी भी पड़ रहा है, पूरा ड्रम भर गया। ये पड़ रहा है गोबर, और गोबर होगा 10 kg, और ये गौमूत्र है, जिसको सर बार बार गौच बोल रहे हैं, पहाड़ी में से गौच बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये पड़ेगा कम से कम 5 से 7 लीटर गौच पड़ेगा इसमें गौमूत्र। इसमें 1 मुट्ठी जो है नदी डाली, ठीक है, ये चीज़ ला दी इसमें डाल दी, फिर चला दी। लकड़ी का डंडा लेना, इसको आपने लकड़ी के डंडे से ढोलना है, ढोलना कहता है जैसे आपकी घड़ी की सुई चलती है क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई घूम रही है, आपको उस दिशा में इसको ढोलना है,
उस दिशा में क्यों घोलना है, होता क्या है जब आप इसको उल्टा घोलेंगे ये नीचे तक लगेगा, इसमें बनेगी गैस तो वो जो जीवाणु बना रहे हैं ना, कल्चर बनाते हैं हम एक तरह से, हमको बंद कर दिया, वो जो जीवाणु अच्छे बन रहे थे फायदा बंद कम रह गए, खेत में डाल दिया। हाँ जी, ऐसा है बोरी बोरी वाली, उससे क्या होगा, उससे आपके लिए जो गैस है वो निकलती रहेगी, जीवाणु आपके अंदर मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अब उल्टा घोलेंगे तो ये नीचे नीचे सर्च लेकर जाते हैं, तो वो आपने एक ध्यान रखना है इसके बिना। अब इसके बाद क्या होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब ग्रंथिंग, दूसरा आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको इसको डाइल्यूट करना है, स्प्रे आप प्योर नहीं करेंगे इसकी, इससे 30 लीटर लिया दूसरे ड्रम में पानी में मिक्स करके आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। जब नीचे ज़मीन में डालना है 200 लीटर में 30 लीटर, ये 3 लीटर डालना है। जब आप इसकी उसमें कर रहे हैं क्या कहते हैं ज़मीन में डाल रहे हैं, तब आप इसको प्योर डालें। इतना बड़ा पौधा है अगर ये समझिए आप इसको, तो 5-1 लीटर इसमें आप प्योर डाल सकते हैं। कैसे डालना है मैं बताता हूँ, एक कस्सी ले आओ आप। हाँ जी, 10 किलो गोबर 5 से 10 लीटर देना, इतना होना जरूरी है। 1 किलो गोबर 1 किलो रख दो ऐसे ही, पौधा है ना जी, कभी भी पानी नहीं लेता। हम बात करें, आप इरिगेशन करो जैसा मर्जी पानी डालो, पानी नहीं लेगा, वो लेता है वाष्प के रूप में। वाष्प कैसे बनते हैं, हवा और पानी का मिश्रण, उसको जो पौधा है उसको ऊपर खींचता है। तो इसके लिए बनती है वापसा लाइन। जब आप जीवामृत डाल रहे हो तो वापसा लाइन कैसे बनेगी, जो आपकी पौधे की फैलावट होती है, कैनोपी जो है प्लांट की, उस एरिया में मान लो यहाँ तक आपकी कैनोपी है, ये पौधे की बाहर वाली जगह है, इससे थोड़ा सा बाहर को लेकर 2-4 इंच बाहर से आपने इसको गोल एक लाइन बनानी है, वापसा लाइन। मान लीजिए आप ये समझो ना मेरे हिसाब से, तो यहाँ करो भाई आप वो ट्रायल, चिकनी मिट्टी का आपको अभी पता लग जाएगा अगले साल को ही, अभी शुरू करो, देखते हैं 3-4 महीने बाद आप खुद बोलोगे कि क्या फर्क पड़ा है। इस तरह की आपने क्या करना है ना जी, जो ये फरुआ होता है ना, फरुआ है। हाँ, उसके बराबर में ये चीज लेके पूरा गोल बनाया, रिंग ही बनाना, पूरा रिंग बनाना, एटलीस्ट वो 6 इंच गहरा, तो 6 से 10 इंच, आधा फुट आधा बारह फुट गहरा हो। अब आप जो भी अप्लाई करेंगे, जीव अमृत खाद दवाई वो सारा कुछ आपने इसमें डाल, इसमें इसको ऊपर से मल्चिंग कर देनी, घास पूरा मल्च कर दिया, अंदर आपने ये घनजीव अमृत बनाया होना ये वाला, इसको डाल दो। घास डाल सकते हैं तो घास और भी अच्छा है, उसकी मल्चिंग हो जाएगी पूरे उसमें, नहीं तो आप इसके साथ कोई मटर या दलहनी फसल, मक्की, इस तरह की फसल लगा लें। ये क्या काम करेगा, जब आप यहाँ, हाँ जी, जब आप घास डालेंगे ना इसमें, आपने जीव अमृत भी डाला घास भी डाला, ये जो यहाँ से नमी बनाएगा ये इस तरफ को, इस एरिया में पूरे के एरिया में नमी बन जाएगी, उससे क्या होगा, जो आपकी पौधे की जड़ें, जड़ होती है, हम मान के जो चलते हैं एक साइंटिफिक जो वे है, जितना आपकी पौधे की कैनोपी होती है, जितना इसका फैलाव होता है, वहाँ तक उसकी जड़ें होती ही होती है, जबकि इसकी जड़ें तो काफ़ी दूर तक होगी, वन इधर तक पहुँची होगी। ये मान के चलो जब आप इसमें डालेंगे, क्या एक तो क्या होगा, सीधा संपर्क में नहीं आएगी जड़, जो आपकी सेकेंडरी फीडिंग रूट्स भोजन बनाने वाली जड़ें हैं वो यहाँ तक है, वो उस चीज़ को सोखेगी, उसको वाष्प के रूप में लेगी और वो पौधे को जल्दी पहुँचेगी। मान लीजिए आप अब अगर आपको कट लगेगा इधर लगा है कहीं, अब यूरिया की बात करें, आपने आज यूरिया डाला, 28 दिन तो उसको उस फॉर्म में आने के लिए लग गया जो ये पौधा लेता है। पौधा यूरिया को नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेता है, अगर हम बात करें साइंटिफिक तो अमोनिकल फॉर्म में होता है, तो फॉर्म में बदलने में ये 28 दिन लग जाते हैं, महीना लग जाता है, तो 1 महीने में बारिश होगी वो सारा का सारा लीच आउट हो गया, वो 40% जो आपने नाइट्रोजन देना था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, पौधे तक पहुँचा ही नहीं, वो सारा निकल गया, उसने वातावरण भी प्रदूषित किया, गैस निकली अमोनिया, उसने आपके खेत को भी रुखा कर दिया, वो जो खाद निकली वो कहीं तीसरे बंदे के खेत में लगी नीचे जाके, तो वो चीज़ आपने सबसे ज़रूरी है मॉइस्चर मेंटेन करना, आपकी ज़मीन में नमी है ना जी, आप बढ़िया मल्चिंग आपके खेत में प्रॉपर मल्चिंग है, मल्चिंग आप करोगे, आप यहाँ घास रख दो, थोड़ा घास रख दो हल्का सा, जीव अमृत कुछ भी डाल के देखना, आपने 2-4 दिनों में देखोगे इसके नीचे वो श्लोके आ गई है, वो अपना काम शुरू कर देती है, मिट्टी खाते हुए नीचे दूसरे से ऊपर, वो छेद छेद बनेंगे, स्पेस बनता जाएगा, उसमें आप पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देगा जमीन की। इस तरह से आप सारा न्यूट्रिशन इस नाली में दे सकते हैं और वो पौधे पे अच्छे से अवेलेबल होगा, ये फायदा है इस वापस लाएंगे। आप हाई डेंसिटी कर रहे हैं, आप मटर भी लगा रहे हैं, बीन्स भी लगा रहे हैं, कोई सीधे खेत में लगा रहे हैं, उसमें भी बीच में आप एक लाइन ऐसी रखें, बेड जरूर बनाएं जिसमें आप पानी रोक सकें, आप उसमें मल्चिंग करें, वो आपके फायदेमंद ही चीज़ है। आप अभी भी करें, जब आप सब्जियां लगाएंगे
मैं बोला कि अगर इतने जैसे में लगा रहे हैं ना आप, तो आधा आधा डिवाइड कर देना, आधा आप जैसे करते हैं वैसे करो, आधा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, आपने फायदे देख लेना, सामने ही आपको फायदे नजर आएंगे। जिनके पास तो गाय है वो तो गोबर गौच का कोई ऐसा होता नहीं है, तो आप खुल के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। होती है ना, तो कई बार ये मैं तो पेड़ में ही डाल देती हूँ, कैसा होता है ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत करें, पोटाश और इसकी बहुत अच्छी, कई बोलते हैं कि वो नीचे डालना भाई उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसमें ही डालती हूँ। हम बात करें तो पुराने जमाने में लोग लहसुन लहसुन पे बड़े, हाँ जी हाँ जी वो तो डाल देते, अभी भी डालते सर, बात वही है ना जी, लहसुन को और वो नहीं होती, वो एक तरह से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो उस पर काम करती है। दूसरा तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ना कि आप आग लगाओ, आप ये करोगे एक गड्ढा खोदो, सारे छिट्टे उसमें डालो, उसमें जीवामृत भी डालते रहना, थोड़े थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाएगा, एक सब कुछ डालो, सड़ के वो किसान को आपका बढ़िया गोबर वैसा लगाए, वो तो बहुत अच्छा है ना, अगर ऐसा करते हैं तो आप डाल सकते हैं, पर मैं ये इतनी थोड़ा थोड़ा मैं अपनी इससे करती रहती हूँ, लोग पार्ट टू आएगी वीडियो जिसमें हमें सर ने बताया है बीज अमृत, तनालेप और घनजीव अमृत प्रैक्टिकली सर ने बताया है, तो उसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अंकुश सर जी, आपने हमें इतने ज्ञान की बातें बताई है और आपके माध्यम से पूरे ग्रुप को इतने नॉलेज की बातें मिली, और थैंक यू हमारे ग्रुप की जो प्रधान और सेक्रेटरी जिन्होंने ये सेमिनार किया है, थैंक यू दीदी।